जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, हमेशा कहा जाता है कि गुरुजी हमारे साथ कभी भी गलत नहीं होने देते। जब भी हमारे साथ कुछ गलत होने वाला होता है तो गुरुजी हमें इशारे ज़रूर देते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, और वो इशारा हमें समझना होता है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी उनके साथ कैसे थे और गुरुजी ने उनको कैसे हेल्प करी। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी, आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी। संगत जी, मैं आपसे गुरु शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु पाका बाबा मैसेज भी आता है कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, कल की ही बात है, मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु पाका मंत्र जाप करना चाहूँगी, और मैं सत्संग अभी गुरु पा के सामने ही बैठ के शेयर कर रही हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ कर देना गुरु पा। गुरु पा जो मुझसे बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी संगत जी। तो संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु पा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पा, शुक्राना। संगत जी, मेरा ये संडे का मतलब कल का सत्संग है जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ आपसे। संगत जी, जैसे जैसे होता है कि जैसे हम जो है जब गुरुपा को फूल अर्पित करते हैं, तो उसके बाद जो है हम उन फूलों को या तो किसी मिट्टी में गमले में डाल देते हैं, या तो फिर हम नदी में प्रवाहित करते हैं। तो संगत जी, मेरा ऐसा था कि मैं सुबह जो है 7:15-7:30 बजे के आसपास, संडे की बात है, कल की बात है, तो मैं संडे 7:30 के आसपास जो है इतने का ही टाइम होगा कि मैं जो है फूल प्रवाहित करने के लिए जो है ITO पर गई, ताकि वहाँ पर नदी में सोचा कि प्रवाहित कर दूँगी। तो संगत जी, जैसे मैं वहाँ पर गई, मैं वहाँ पर अच्छे से पहुँच गई, मैंने अच्छे से फूल प्रवाहित कर दिए। लेकिन संगत जी, जैसे मैं वापस आई, मैं अपनी स्कूटी से गई थी, तो वापस आई जैसे ही मेरी स्कूटी ना ITO पर ही ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। तो ITO पर ही ख़राब होनी स्टार्ट हो गई, तो मैंने किसी भी करके पहले तो एक अंकल जा रहे थे उनके साथ, उनकी कोई और था, तो मैंने उस अंकल को बोला किक मार के कि मेरी स्कूटी जो है स्टार्ट कर दो। उन्होंने स्टार्ट कर दी, फिर संगत जी ITO में थोड़ी सी आगे चली, फिर मेरी स्कूटी ख़राब हो गई। और इतनी मुश्किल से संगत जी, मैं अपनी गुरुपा से मतलब प्रेयर करते करते कि प्लीज़ गुरुपा मेरी स्कूटी सही कर दो, मैं आराम से घर पहुँच जाऊँ। संगत जी, ऐसे करते करते रुक रुक के स्कूटी में इतना परेशान किया ITO से, निर्माण व्यार तक कैसे भी करके मैं स्कूटी को ले आई। उसके बाद संगत जी, निर्माण विहार तो आकर स्कूटी मेरी पूरी तरह से बंद हो गई। फिर निर्माण विहार में मैंने जो है एक अंकल जा रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि अंकल जी आप मेरी स्कूटी पे किक मार दो, मेरी स्कूटी ख़राब हो गई। तो अंकल जी ने बोला कि मैं तो अभी कहीं जा रहा हूँ, तो उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। फिर उसके बाद संगत जी, मैं दो तीन बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, स्कूल गोइंग बच्चे थे, तो उन दो तीनों के पास दो स्कूटी थी, ठीक है। तो मैंने उनसे हेल्प मांगी, तो उन्होंने क्या किया, एक स्कूटी मुझे दे दी और एक स्कूटी जो मेरी वाली स्कूटी थी जो मैं चला रही थी जो ख़राब थी, उन्होंने कहा हम दीदी हम इसको चला लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी वाली मुझे दे दी और मेरी वाली स्कूटी पे जो पीछे दो लड़के, तीन लड़के थे टोटल, तो एक लड़का एक स्कूटी चला रहा था, दो लड़के एक स्कूटी चला रहे थे और एक स्कूटी मैं चला रही थी, उनकी स्कूटी उन्होंने मुझे दे दी थी कि आप आराम से घर पहुँचो, हम आपकी स्कूटी को पैर लगा के पीछे आ रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही मैं हम जो है तीन स्कूटियां लेके मैं अपने घर की तरफ उनको लिया कि मेरे को घर आराम से छोड़ देंगे। और संगत जी, क्या किया कि जब मेरी स्कूटी थी तो मेरा जो फ़ोन था, संगत जी मेरा आईफोन था, तो मेरा फ़ोन ना मेरी वाली स्कूटी में था। तो जैसे ही मैंने स्कूटी एक्सचेंज की ना उनसे, तो मैंने क्या किया, अपनी स्कूटी में से फ़ोन निकाल के जो है उनकी स्कूटी में रख दिया। मेरे को लगा कि स्कूटी मैं चला रही हूँ तो मैं फ़ोन भी अपने पास ही रख लेती हूँ, मैंने उनकी स्कूटी में रख लिया संगत जी। तो क्या हुआ, जैसे मैं घर पहुँची वो भी मेरे पीछे पीछे आ गए। तो संगत जी, क्या हुआ कि मेरी स्कूटी लेकर उन्होंने मेरी स्कूटी मुझे हैंडओवर की, मैंने उनकी स्कूटी उनको हैंडओवर की, मैं गलती से अपना आईफोन जो है उनकी स्कूटी की डिक्की में से निकालना भूल गई। और क्या हुआ संगत जी, वो स्कूटी लेकर चले गए। जैसे ही वो निकले, वैसे ही मेरे माइंड में क्लिक किया, मेरा तो फ़ोन रह गया उनकी स्कूटी की डिक्की में, तो मैं उनके पीछे भागी। संगत जी, मुझे नहीं मिले। उसके बाद मैं इतना परेशान, मैं इतना रोई, सब हुआ, डांट पड़ी, सब कुछ हुआ मतलब। और फिर संगत जी, मेरा आईफोन था, तो हमने जो है फाइंड माई आईफोन करके ट्रैकर ऑन कर दिया कि देख लेते हैं कि सिचुएशन का लोकेशन कहाँ पर आ रही है आईफोन की।
तो संगत जी जो लोकेशन थी वो घर के आसपास की थी, ज़्यादा दूर की नहीं थी। तो उससे भी पहले संगत जी लोकेशन फाइंड करने से पहले मेरा जो ब्रदर है मेरे साथ गया, जहाँ से मैंने निर्माण विहार में जहाँ स्कूटी एक्सचेंज की थी वहाँ तक हमें देखने गए कि हो सकता है कहीं ना कहीं बच्चे होते हैं घूम रहे होते हैं इधर उधर स्कूटी लेके, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मिल जाए। तो संगत जी वो नहीं मिला। उसके बाद हमने इतना ट्राई किया, हमने फाइंड माई लोकेशन आईफोन पर स्टार्ट कर दी, ट्रैकर ऑन कर दिया, हम जहाँ पर वो आईफोन की लोकेशन आ रही थी मेरे आईफोन की, तो संगत जी फ़ोन की, तो हम वहाँ पर भी गए। वहाँ पर हमने 3-4 घंटे लगा दिए ढूंढने में कि कौन सी स्कूटी, क्योंकि स्कूटी का कलर मुझे पता था, तो हमने इतने टाइम लगा दिया कि मिल जाए मिल जाए, वो फ़ोन नहीं मिला संगत जी। हमने इवन लोगों के घर की बेल बजा बजा के, हो सकता है कि पार्किंग में स्कूटी पार्क कर दी उन बच्चों ने, कुछ भी हो सकता है। तो हमने संगत जी इतना मतलब 3-4 घंटे वहाँ लगा दिए, हमें नहीं मिला। और संगत जी जब मैं वहाँ पर अपना फ़ोन ढूंढने गई उस लोकेशन में जहाँ पर वो ट्रैकर ने हमें लोकेशन बताई थी कि इस जगह मेरा आईफोन है, तो संगत जी वहाँ पर जैसे ही मैं ढूंढ रही थी ना, तो एक तो मुझे शिवजी जी का मंदिर मिला छोटा सा, जहाँ पे मैंने शिवजी जी के पार्वती माता जी के दर्शन किए। मतलब मुझे इंडिकेशन लग रही थी कि मेरा फ़ोन मिल जाएगा, क्योंकि मुझे दर्शन हो गए थे शिवजी जी के। उसके बाद भी संगत जी हम इतना ढूंढा नहीं मिला, नहीं मिला कैसे भी करके, बिल्कुल नहीं मिला। फिर हम क्या किया संगत जी, और फिर मैं जहाँ पे वहाँ पे गलियों में ढूंढ रही थी कि कोई स्कूटी का कलर मुझे पता था कि स्कूटी मिल जाए इस रंग की, मैं उसमें ढूंढ लूँगी, किसी को बोल दूँगी स्कूटी की खोल के हमें चेक करवा दे, कुछ भी करके ढूंढ लेंगे। तो संगत जी जैसे मैं गली में घूम रही थी ना इधर उधर की देखने के लिए, मुझे दो दो बार तो कबूतर मरे हुए मिले संगत जी, जो मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। मतलब मेरे को देखते ही ना ऐसे हो जाता है कि पता नहीं मेरे सामने क्या आ गया ऐसा कि। तो संगत जी मैंने वो देखे तो पता नहीं कौन सा कल गुरुपा ने मेरा कष काटा, कौन सा गुरुपा ने मेरा जो कर्म काटा है कल, कल जो मैंने बुरे कर्म कोई किया होगा जो काटा है गुरुपा ने, या गुरुपा मेरी परीक्षा ले रहे थे, मेरा विश्वास देख रहे थे गुरुपा जाने संगत जी। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, मेरे ब्रदर ने मेरे और मैंने दोनों मिलकर, हम दोनों ने मिलकर बहुत कोशिश की। फिर जब वहाँ पे 2-3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, तो हमें नहीं मिला, हम वापस अपने घर आ गए। फिर हमने घर आके मैं फिर रोई संगत जी, इतना रोई मैं, परेशान हो गई क्योंकि आईफोन इतना महंगा होता है, सस्ता तो होता नहीं। फिर उसके बाद मेरे हमने सोचा कि हम ना कंप्लेंट कर देते, तो मैंने जो है पुलिस स्टेशन कॉल कर दिया कि हम आईफोन की फ़ोन की कंप्लेंट कर देते ताकि कोई दिक्कत परेशानी हो, तो मतलब प्रॉब्लम ना हो कोई भी इन फ्यूचर। संगत जी जैसे हमने कंप्लेंट की, उसके बाद जो है पुलिस वाले ने बोला कि आप पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा आपको रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तो संगत जी हमने सोचा कि एक बार पुलिस स्टेशन भी चल जाते हैं, उसके बाद फिर उसी लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पर ये ट्रैकर दिखा रहा है कि लोकेशन दिखा रहा है संगत जी, क्योंकि उसकी लोकेशन ना बार बार चेंज हो जाती है, क्योंकि हो सकता है बच्चे थे, कभी स्कूटी कहाँ लेके जा रहे हैं, कभी कहाँ लेके जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि अगर पूरे दिन नहीं मिलेगा तो हम रात को एक बारी लोकेशन फिर से चेक करके फिर उसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर वो ट्रैकर दिखा रहा होगा कि इस लोकेशन पर है। तो संगत जी फिर हमने क्या किया, हम पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन पे जाने के बाद संगत जी इंस्पेक्टर जो थे, पुलिस अंकल जो थे, उन्होंने इतनी हेल्प की, मतलब हमारे बिना बोले उन्होंने कहा कि हम आपको कैमराज दिखाए, तो उन्होंने सारे कैमराज ओपन कर दिए कि जहाँ से हम वो मेरे साथ आए थे, मेरे को घर ड्रॉप करने किया ताकि हम स्कूटी का नंबर चेक कर ले, स्कूटी का नंबर मिलने से हम उनको ट्रैक कर सकते हैं कि वो कहाँ रहते हैं, ताकि उनके घर जाकर अपना फ़ोन पिक कर लें, कुछ भी इस तरह से। तो संगत जी क्या हुआ कि स्कूटी का जो नंबर मिला हमें, स्कूटी का नंबर तो बहुत धुंधला था, बहुत धुंधला, फिर भी हमने जो है किसी तरह से फ़ोटो क्लिक करके कैमरे में जहाँ पे वो इमेज आ रही थी हमने उसको क्लिक करके चेक कर लिया कि कौन सा नंबर है। संगत जी उसमें भी क्या हुआ कि जो स्कूटी का नंबर हमें पता चला, हमने उससे जो अंकल ने, पुलिस अंकल ने जो वो नंबर चेक किया, तो वो तो आ नहीं रहा था, वो तो कहीं और का एड्रेस दिखा रहा था, क्योंकि संगत जी स्कूटी का नंबर बिल्कुल सही था, बस जो स्कूटी के नंबर की 4 डिजिट होती हैं उसमें से 1 डिजिट गलत हो रही थी, उसकी वजह से वो एड्रेस गलत आ रहा। फिर हमने कहा कि भाई अब तो फिर नहीं मिल रहा, अब तो स्कूटी का नंबर भी नहीं मिल रहा, और स्कूटी का नंबर संगत जी जितने भी वहाँ पे पुलिस स्टेशन में कैमराज थे सब में स्कूटी का नंबर धुंधला आ रहा, कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि एग्जैक्ट हमें क्लैरिटी हो जाए, और जो हुई उसमें 1 डिजिट गलत हम गलत थी, मतलब हमें पता नहीं चल रही थी, तो हमने कहा कि यही है, हमने उसे चेक कर लिया। तो संगत जी ऐसा था जो 2nd डिजिट थी वो 3 की जगह हमें 2 पड़ी थी, जबकि वो एक्चुअल में 3 थी बस, तो हमें फिर नहीं पता चल रहा। फिर जो है उन्होंने कहा कि हमें जो है आप इस वाले पुलिस स्टेशन पे चले जाओ, वहाँ पर जाके आप एक बारी उनसे बात कर लो, क्योंकि हो सकता है कि जो जिस लोकेशन में आपने उनसे हेल्प ली थी उस लोकेशन में भी कैमराज लगे हुए थे, तो हो सकता है वहाँ पे जो है कैमरा में अगर आप देखो तो क्लैरिटी हो जाए। तो हमने कहा चलो भाई हम वहाँ चलते हैं। तो संगत जी हम दूसरे पुलिस स्टेशन गए जो उस एरिया के आसपास का था, तो वहाँ पर भी जो है अंकल ने, पुलिस अंकल ने हमारे बिना बोले ही हमारे साथ जो है मतलब हेल्प करने की तैयार हो गए कि हम आपको कैमरा दिखाते हैं उसमें चेक कर लो, कुछ भी था। लेकिन संगत जी कल संडे था तो उनका सर्वर रूम कल बंद था, तो
तो उन्होंने बोला कि आप क्या करो, आप आज मतलब मंडे को सुबह 10 से 2-3 बजे के आसपास का बताया था कि आप आना, हम वो कैमराज दिखा देंगे कि आप देख लेना। तो संगत जी क्या हुआ, जैसे ही हम उन अंकल के साथ गए थे मतलब कैमराज चेक करने, तो वहीं पर ही ना मेरे फ़ोन की लोकेशन एग्जैक्ट जहाँ मैं रहती हूँ वो दिखाने लगा ट्रैकर। क्योंकि संगत जी क्या हुआ कि वो जो बच्चे थे उन्होंने अपने स्कूटी की डिक्की खोली होगी, उन्होंने फ़ोन निकाला होगा, क्योंकि सुबह से तो हम कॉल कर रहे थे कि फ़ोन उठा ले फ़ोन उठा ले, लेकिन संगत जी फ़ोन कैसे उठाते, मेरा फ़ोन वाइब्रेशन पे था और प्लस वो जो फ़ोन था उनकी स्कूटी के डिक्की में था। अब वो बच्चे जब डिक्की खोलेंगे स्कूटी की तब वो फ़ोन बाहर आएगा, और संगत जी उसमें बैटरी भी इतनी नहीं थी, और अगर बैटरी ख़त्म हो जाती तो संगत जी मेरा फ़ोन ढूंढना बड़ा मुश्किल होता क्योंकि वो ट्रैकर भी ट्रैक नहीं कर पाता। तो उसके बाद संगत जी जैसे ही हम मतलब वहाँ पे जो पुलिस अंकल थे वो उन्होंने बोला कल आना, वैसे ही ना मेरे फ़ोन का जो लोकेशन था वो चेंज हो गया, वो एग्जैक्ट वहाँ पर हो गया जो मेरे घर की लोकेशन थी उसके आसपास की, क्योंकि वो बच्चे जो है मुझे फ़ोन देने घर आ रहे थे संगत जी। तो जैसे ही मेरे भाई को पता चला ट्रैकर की ने लोकेशन चेंज कर दी, उसने तुरंत मेरे फ़ोन पर कॉल किया और उन बच्चों ने उठा लिया फ़ोन। बस संगत जी ऐसे करके मेरा फ़ोन मिल गया। मैं इसलिए गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी एक चीज़ और, जब मैं सुबह से मैं और मेरे ब्रदर जो है हम फ़ोन ढूंढ रहे थे, 4 घंटे हो गए, सुबह लगा लो 8 बजे से हम ढूंढने लगे फ़ोन, 12-1 बज गए हमें फ़ोन नहीं मिला। तो जैसे मैं घर आई और फिर परेशान थी अपनी बालकनी में खड़ी हुई आके, तो संगत जी मुझे जो है गुरुपा ने बटरफ्लाई रूप में अपनी प्रेजेंस फील करा दी कि तू परेशान मत हो, मैं हूँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन संगत जी बस मुझे विश्वास है मेरे गुरुपा पर, मुझे पूरा विश्वास है, और मुझे पता है कि वो शायद मेरी परीक्षा ले रहे थे, मेरी टेस्टिंग ले रहे थे। तो संगत जी मुझे विश्वास था कि मुझे, लेकिन बस थोड़ा बहुत मुझे डर लग रहा था क्योंकि हमने इतना कोशिश कर लिया लेकिन इंडिकेशंस थी कि मिल जाएगा। तो संगत जी बस शाम को जाके कहीं 4:15 बजे मेरा फ़ोन उन बच्चों ने मेरे हाथ में दिया। वो बच्चे इतने अच्छे थे संगत जी, उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की, उन्होंने मेरे घर तक छोड़ा, फिर फ़ोन उनकी स्कूटी की टिक्की में था, उन्होंने जैसे ही देखा कि मेरा फ़ोन है, क्योंकि वो तो पहचान गए क्योंकि सुबह जो हेल्प की थी उन्हीं का ही होगा, तो वो घर तक मेरे मतलब बाहर देने आए। तो हमें जैसे ट्रैकर पे तो पता चल गया था कि वो हमारे घर तक पहुँच चुके हैं, घर के आसपास। तो हम उनसे मिले, फिर उनसे मतलब अच्छे से बात की और उन्होंने मेरा फ़ोन मुझे हैंडओवर कर दिया। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है कि मतलब गुरुपा ने मुझे इंडिकेशन दी पल पल, और मैंने संगत जी गुरुपा का पूरे टाइम मैंने मंत्र जाप किया। बस मैंने गुरुपा को ये बोला मेरे विश्वास की लाज रख लेना गुरुपा, मैं मेरा विश्वास है गुरुपा पर। लेकिन बस हम कई बार परेशान हो जाते हैं ना संगत जी की, पता नहीं कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा, और पता होता है मिल जाएगा। फिर मैं सोचा कि मैं नया फ़ोन ले लेती हूँ, नहीं मिलता तो कुछ करे नया ले, क्योंकि फ़ोन के बिना तो संगत जी अब तो गुजारा ही नहीं है कि हमें ऑफिस जाना होता है कहीं जाना होता है फ़ोन चाहिए। लेकिन शाम तक संगत जी गुरुपा ने मेरा फ़ोन मेरे हाथ में दे दिया था। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, बेहद शुक्राना करना चाहती हूँ, श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं मतलब मैंने जो पहले भी सत्संग शेयर किए हैं उसमें जो है मतलब मैं जो संगत जी मैंने बताया था अपने जर्नी गुरुपा के साथ कि मैं बड़े मंदिर तो जाती रहती थी पहले से ही, जैसे मैं लंगर प्रसाद खा लेती चखती थी और चाय प्रसाद चखती थी, सब मतलब प्रसाद चख के मैं घर आ जाती थी, मेरी फैमिली भी जाती थी। लेकिन संगत जी जो कनेक्शन नहीं था, कनेक्शन मेरा 23 से बना था। तो संगत जी मैं उससे पहले 23 से पहले की जो अगर लाइफ की बात करूँ, मेरी लाइफ की बात करूँ, तो लाइफ मेरी ऐसी थी संगत जी कि इतनी डिप्रेस, इतनी स्ट्रेस, मतलब हर जगह से मतलब चिड़चिड़ापन, गुस्सा, और मतलब कई बार तो संगत मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती थी, सांस चढ़ने लगता था, मतलब एनजाइटी प्रॉब्लम हो जाती, एनजाइटी अटैक्स आने लग जाते थे संगत जी। मतलब गुरुपा से जुड़ने के पहले की जो मेरी लाइफ जर्नी थी तो वो तो ऐसी थी कि बस मैं जैसे एक ज़िंदगी, एक नरक जैसी ज़िंदगी जी रही हूँ, एक हेल लाइफ जी रही हूँ। क्योंकि संगत जी मैं मेरा डाइवोर्स हुआ हुआ है, मैं डाइवोर्स्ड हूँ, और उसके बाद मतलब इवन मेरी शादी के बाद ही ये लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी स्टार्ट हो गई थी, और फिर इस लाइफ पूरी स्ट्रेस, डिप्रेस्ड, एनजाइटी एंड ऑल सब फेस किया संगत जी लाइफ में। लेकिन जब गुरुपा ने लास्ट मेरा हाथ थामा 23 में, मतलब सितंबर एंड 23 में, तो संगत जी बस उसके बाद से गुरुपा ने मेरी लाइफ जो है बिल्कुल
मतलब ऐसे कर दी, मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने तो मेरी लाइफ ही बदल दी संगत जी। मैं गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, बेहद बेहद शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो दिया उस चीज़ का शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का शुक्राना। संगत जी गुरुपा ने जब मेरे फ़ोन वाले उस पर भी मेरे को अपनी प्रेजेंस फील करा दी थी बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे के, तो मैं समझ गई थी कि बस फ़ोन तो मेरा मिल जाएगा। बस कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा था कि कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्योंकि इतना ढूंढ लिया था, इतना ढूंढ लिया तो मिल नहीं रहा था। तो फिर अचानक से उन बच्चों ने जो है अपनी स्कूटी की टिक्की खोली और मेरा फ़ोन उसके अंदर था, तो उन्होंने बाहर निकाला। जैसे मेरे भाई को पता चला ट्रैकर चेंज हो गया, तो उन्होंने ट्रैकर ने लोकेशन चेंज कर दिया, तो हमने फटाफट से कॉल किया, उन्होंने फ़ोन उठा लिया और हमारा फ़ोन हमें हैंड ओवर कर दिया। तो संगत जी मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि गुरुपा पर विश्वास रखो। संगत जी मैं ना एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि हम जैसे हम जो गुरुपा की संगत है, हम गुरुपा को मानते हैं, विश्वास रखते हैं, लेकिन हो सकता है हमारे घर में हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे कोई भी अदर फैमिली मेम्बर है जो गुरुपा पे उस तरह से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन संगत जी जैसे कल भी हुआ, तो मुझे जिस तरह से मेरा फ़ोन खोया, मुझे डांट पड़ने लगी, सब कुछ हुआ, तो बस मैंने यही बोला कि मुझे मेरे गुरुपा पर विश्वास है। और संगत जी हम अगर गुरुपा को मानते हैं तो हम ये नहीं हो सकता कि हमारी लाइफ में कुछ गलत ना हो। ये हो सकता है हमारी लाइफ में कुछ गलत हो सकता है, गुरुपा हमारी परीक्षा ले रहे हो सकता है, हमारा विश्वास देख रहे हो सकता है, हमारी टेस्टिंग ले रहे हो। तो संगत जी बस हमें उन पर विश्वास रखना है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कुछ गलत हुआ भी है तो वो उन्होंने करा है, वो हमारे अच्छे के लिए करा है। वो कुछ वो क्योंकि गुरुपा की महिमा संगत जी गुरुपा ही जानते हैं, वो हम नहीं जान सकते कि वो हमें किस तरह से हमारी लाइफ में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं बस यही बोलूँगी संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैंने अपना सत्संग में आपको ये बताया कि मेरी लाइफ जर्नी गुरुपा के साथ, और कि गुरुपा ने कैसे मेरी लाइफ में चेंजेस लाए गुरुपा। और संगत जी मैंने गुरुपा से लाइफ में बहुत बड़ी अरदास करी है और मैं जानती हूँ कि गुरुपा उसको पूरा करेंगे। बस गुरुपा बोलते सब्र रख, कि जहाँ तूने इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सा और सब्र कर। तो संगत जी मैं सब्र करने के तैयार हूँ, क्योंकि मैं सब्र करती आई हूँ इतने टाइम से। तो मैं अगर गुरुपा मुझे बोल रहे हैं तो मैं सब्र करूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर वो सब्र करा रहे हैं तो मुझे वो बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। इस विश्वास से मैं आगे चलती हूँ संगत जी। गुरुपा बस मेरा हाथ थामे रखे, अपना आशीर्वाद हमारे पे बनाए रखे, सर्वदा भला करें। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा से, सबको खुशी दें, सब खुश रहें संगत जी। बस मेरा शुक्राना सत्संग था जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती थी आज। संगत जी सत्संग को विराम करने से पहले मैं एक भजन करना चाहूँगी। लिखन वाले तू हो के दयाल लिख दे, लिखन वाले तू हो के दया लिख दे मेरे हृदय विच, ओ मेरे हृदय विच गुरा दा प्यार लिख दे, ओ मेरे हृदय विच गुरा दा प्यार लिख दे। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। संगत जी फिर ऐसा हुआ कि संडे को तो ये बात हुई, और फिर मंडे को जैसे मेरा ऑफिस होता तो मैं ऑफिस नहीं गई, गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया और मैं उनके दर्शन करके आई, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर आई। बस मैं चाहती हूँ गुरुपा अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखे, सर्वदा भला करे, जिनकी जो अरदास हो गुरुपा उसको पूरा करें। बस हमें विश्वास रखना है संगत जी, हमें सब्र रखना है, जो गुरुपा देंगे वो बहुत अच्छा देंगे, बस सब्र। क्योंकि संगत जी गुरुपा तो ये बोलते हैं ना, जो भी देते हैं वो परमानेंट दे देते हैं, तो परमानेंट लेने के लिए हमें सब्र करना पड़ेगा। अगर हमें परमानेंट चाहिए तो हमें सब्र करना पड़ेगा संगत जी, और सब्र से हमें बहुत अच्छा मिलेगा। बस ये मेरा शुक्राना सत्संग था, मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख वार शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का शुक्राना, जो नहीं दिया उस चीज़ का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, इस पल का शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। का मंत्र जाप करना चाहूँगी सत्संग विराम करने से पहले। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग था, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना आंटी जी आप मेरा सत्संग शेयर करोगे बाकी सब संगत के साथ, शुक्राना, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। थैंक यू सो मच आंटी जी,
आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी हर पल आपको बताते रहते हैं कि मुझे तेरे हाल का पता है। तेरे साथ कोई जितना भी गलत कर ले, तेरा प्यो तेरे नाल हमेशा खड़ा है। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो गुरु जी हमारे साथ ही खड़े होते हैं। गुरु जी हमारे पास ही होते हैं, हमारे दिल का हाल जानते हैं, इसलिए वो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देते। गुरु जी हमारे साथ जो भी गलत हो रहा होता है उसको भी जल्दी से ठीक कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।